बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई फिश की रेसिपी। तो चलिए आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए, उसमें हमारे पास फ़िश है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया है इसका पानी। 1 टेबल स्पून ये मेरे पास है रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, फिश मसाला 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमारे पास है बेसन, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को हम लोग फिश पे लगा कर मैरिनेट करके इसे अच्छे से हम 2 से 3 घंटे के लिए या कम से कम 1 घंटे के लिए इसे हम फ्रिज में रख देंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें मसाले की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा भी सकते हैं। फिश मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट बेसन इसे हम अच्छी तरह से अपनी फिश पे जो है इसे लगा लेंगे। और इसे तकरीबन हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे के लिए और कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करेंगे। अब मैं अपनी फ़िश पर इसे अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से रब कर लूँगी। ये हम हैंड की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला जो उसे मैंने अच्छी तरह से अपनी फ़िश पर लगा लिया है और अब इसे मैं मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख दूंगी, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है, 2 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करने लगे हैं। ऑयल जो है उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ़िश जो हमने मैरिनेट की हुई थी, इसे हम डीप फ्राई करेंगे। जब फिश एक साइड से फ्राई हो जाए तो आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है, बार बार इसको नहीं पलटना, इससे आपका मसाला जो है वो फिश से जो है वो अलहदा हो जाता है। फ़िश जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसमें अपना पानी होता है वो बहुत जल्द जो है वो ऑयल में जब हम इसे फ्राई करते हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे।
फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी की जो फिश है उसे भी फ्राई कर लेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। We hope we pray for better days.